बड़ी खबर है दिल्ली से ही, मोतीबाग इलाके से जुड़ी हुई, जहां पर इमारत गिरी है। रेस्क्यू के लिए एनएसजी की टीम को वहां पर बुलाया गया। मलबे में 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। मोतीबाग इलाके में ये बहुमंजिला इमारत गिरी है। हादसे के वक्त वहां पर 20 मजदूर काम कर रहे थे, और जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि 20 से 25 की यह संख्या हो सकती है जो किस मलबे के अंदर दबे हुए हैं। वहां पर बचाव दल पहुंचा और उसके बाद बचाव दल के साथ ही एनएसजी की टीम को भी वहां पर बुलाना पड़ा ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। जो भी मलबे में फंसे हैं उनको निकालना इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता है इस वक्त बचाव टीम की, क्योंकि जिस वक्त ये निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत गिरी उस वक्त 20 मजदूर काम कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि यह संख्या 20 से ज्यादा है। और ये दो तस्वीरें देखिए, इमारत ढहने के बाद, इमारत गिरने के बाद वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। एनएसजी की टीम को भी वहां पर बुलाया गया ताकि इसमें तेजी लाई जा सके। ये इमारत बन रही थी और उसके बाद ये इमारत अचानक से गिरी। अब ये भी जांच का विषय है कि आखिर ये इमारत का नक्शा कैसे पास हुआ, क्या उस नक्शे के आधार पर ये इमारत बन रही थी या फिर गलत तरीके से इमारत बन रही थी, इसमें कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया गया, क्या घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे जांच के भी पहलू हैं जिस पर होगी, लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता यह है कि मलबे के अंदर जो लोग दबे हैं उनको सबसे पहले सुरक्षित निकाला गया। देखिए कटर से जो इमारत की सीलिंग आपको नजर आ रही है गिरी हुई, उसे काटा जा रहा है और अंदर जो लोग फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। एनएसजी भी इस काम में जुटी हुई है। हितेन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। हितेन, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? सर बिल्कुल देखिए, अभी इस वक्त एक मजदूर को निकाला गया है जिंदा, वो अस्पताल लेके गए। साउथ दिल्ली के मेयर हमारे साथ है, उन्हीं से हम बात करते हैं। सर बिल्डिंग इमारत 3 मंजिला किस तरह से गिर गई, क्या आपके पास जानकारी क्या आई है? ये बिल्डिंग पूरी तरह से डेंजर थी, इसको निगम ने पूरी तरह से डेंजर डिक्लेयर किया था। जर्जर हालत में थी, रिपेयरेबल नहीं थी, बट मकान मालिक कहीं ना कहीं चोरी छुपे छुप करके रिपेयरिंग करने का काम करते जो रिपेयर नहीं हो सकती थी। ये उनकी लापरवाही है, उनकी लापरवाही का ये नतीजा है कि इसमें आज 5 मजदूर दब गए थे, जिसमें आपने देखा 3 को निकाल ले गया है, 2 को पहले निकाला गया, 1 को अभी तुरंत निकाल करके एम्बुलेंस में डाल करके अस्पताल भेजा गया। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है। मैं प्रभु से, भगवान से कामना भी करता हूँ ठीक होकर के अपने घर में है। जो बाकी 2 दबे हुए हैं उनका भी निकालने का रेस्क्यू जोरों से चल रहा है। वो दोनों से क्या संपर्क, मतलब आवाज़ है, जिंदा है? आवाज़ आ रही है, पानी उनको दे दिया, पानी उनने मांगा था तो उनका पूरी तरह से आवाज आकर आ रही है, उनसे बातचीत हो रही है, उनको क्या कार्रवाई की जाएगी सर? मकान मालिक जो लापरवाही है, जो नियम के तहत कार्रवाई बनती है उसको हम कार्रवाई करेंगे और उनको जो भी उसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ करेंगे। सर बताया जा रहा था कि 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, 20 से, ये मेरी जानकारी में आज 5 लोग थे सुबह में जब ये हादसा हुआ, तो 5 में से 3 को निकालने का, 2 बचे उन दोनों को भी निकाल करके अस्पताल पहुंचा जाएगा। और क्या गिरफ्तारी होगी मकान? बिल्कुल होगी, जो भी कार्रवाई इसमें बनती है लापरवाही के खिलाफ उस पर कार्रवाई होगी। तो ये साउथ दिल्ली के मेयर थे जिन्होंने बताया। ये आप देख सकते हैं इमारत किस तरीके से इमारत जो है वो ढही है और 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रत्युष सीधे तौर पर बताया गया है 2 अभी और फंसे हुए वो, लेकिन संपर्क हो चुका है, उन्हें भी जल्द से जल्द निकाला जाएगा। आवाज उनसे बातचीत हो पा रही है, पानी भी उन्हें दे दिया गया है। गनीमत ये रही कि आप समझ सकते हैं कि 3 मंजिला इमारत में 5 मजदूर दबे, उसके बाद भी किसी प्रकार का कुछ हुआ नहीं। लेकिन जिस तरीके से सवाल ये खड़े हो रहे थे कि आखिरकार जिम्मेवारी किसकी होगी, तो वो मेयर ने साफ कर दिया जिम्मेवारी मकान मालिक की थी। बिना इजाजत, बिना परमिशन वो रिनोवेशन का काम कर रहे थे और उसके बाद इस तरीके का हादसा। उन्होंने कहा कि ये डेंजर में दब जाते, पहले ही हमने डेंजर घोषित कर दिया था, तो अगर निगम की तरफ से ऐसा किया गया तो बकायदा वहां पर तो सीलिंग हो जानी चाहिए थी, सीलिंग हो जानी चाहिए थी, मकान को सील किया जाना चाहिए था कि इसमें अब कोई फर्दर आगे इसमें कोई काम नहीं होगा। तो फिर 5 मजदूर क्या कर रहे थे वहां पर? मकान सील था या नहीं था? निश्चित तौर पर बिल्कुल देखिए, एमसीडी
एमसीडी ये कहकर, बिल्कुल प्रत्युष सही कहा आपने, एमसीडी ये कहकर भाग नहीं सकती है कि हमने इसको, इस इमारत को डेंजर घोषित कर दिया था। हालांकि जो अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई जो है, हो सकता है कि एमसीडी की तरफ से, साउथ दिल्ली एमसीडी की तरफ से आने वाले दिनों में ली जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मकान मालिक ही नहीं बल्कि एमसीडी के अधिकारी भी जो है वो दोषी थे। अगर इस इमारत को पहले ही आपने डेंजर घोषित कर दिया था तो एमसीडी के उन अधिकारियों की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि इस यहाँ पर निगरानी सख्त की जाए, उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर शुरू ना हो, ये एमसीडी को भी ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन जैसे कि मेयर ने बताया कि मालिक ने चोरी छुपे काम शुरू किया और यह हादसा हुआ। हालांकि इस पर भी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो है वो एमसीडी के कई कर्मचारियों पर जो है, तो ये खबर कहां से आई भेटे मिल सकती है कि 20 से 25 की संख्या में यहां पर लोग थे, उसमें से तो 20 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन अभी मेयर को हमने सुना वो कह रहे हैं कि सिर्फ 5 थे, 3 को सुरक्षित निकाल लिया गया, 2 अंदर है और वो भी ठीक ठाक है, उनको पानी दिया गया है और वो बातचीत भी कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ 5 ही लोग थे। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए मेयर ने ये बताया कि आज सिर्फ 5 मजदूर जो है वो काम कर रहे थे। आप देखिए कितनी छोटी गली है, किस तरीके से रस्ते में भी दिक्कतें हो रही है, ये एम्बुलेंस अब अंदर पहुंचाई जा रही है। हालांकि मेयर की तरफ से ये कहा गया कि आज 5 मजदूर काम कर रहे थे। जो स्थानीय लोग हैं उनका ये दावा था कि करीब 20 लोग जो है रोजाना यहाँ पर काम करते थे। आप उस इमारत को अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर रह कोई नहीं रहा था, हालांकि पीजी बने हुए थे, वो पेइंग गेस्ट टाइप का बना हुआ था, लेकिन एमसीडी ने जब उसको डेंजर घोषित किया उसके बाद मकान मालिक ने चोरी छुपे यहाँ पर काम शुरू करवाया और ये हादसा हुआ। तो आज कहीं ना कहीं काफ़ी कम लोग जो है काम कर रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। तो ये एक अच्छी बात है कि कम लोग कहीं ना कहीं इसमें फंसे, लेकिन जितने भी फंसे वो भी सुरक्षित है। वहाँ निर्माणाधीन ये गिरा है, ये बहुमंजिला इमारत जब वहाँ पर गिरी है तो आसपास की इमारतों को भी इसने जरूर नुकसान पहुंचाया होगा इतने, क्योंकि जिस तरह का इलाका आप जहां से खड़े होकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं उसे देख के लग रहा है कि बहुत आपस में सटा हुआ है सब। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं फिर से, 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जो भी मेयर ने कहा इमारत के हिस्से को गैस कटर से काटा गया है, एनडीआरएफ के जवानों ने 3 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया है। पकौड़ मेयर 2 लोग अभी और फंसे हुए हैं, उनको भी जल्द निकाल लिया जाएगा। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर 12:30 के करीब आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला इमारत किस तरीके से ढह चुकी है। हालांकि करीब 5 से 6 मजदूर इसमें फंसे होने की बात सामने आ रही है। जो अब तक जांच हुई है उसके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था, रिनोवेशन का काम चल रहा था। हालांकि बिना परमिशन रिनोवेशन का काम जो है मकान मालिक करवा रहे थे, उसके बाद ये रिपेयरिंग के दौरान ये हादसा हुआ और 5 मजदूर जो है वो ढल गए। हालांकि आपको बता दें कि अंदर कोई रह नहीं रहा था, पूरे इलाके को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अधिकतर इमारतों में जो है पीजी बने हुए, तो ये भी वही पीजी बना हुआ था और कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, उस दौरान ये हादसा हुआ और किस तरीके से ढह चुकी है आप देख सकते हैं कि। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है 2 से 3 लोगों की आवाज़ आ रही है जिन्हें बचाने का काम जो है एनडीआरएफ और फायर की टीम मिलकर साथ कर रही है। हालांकि जो पहले पता चला था उसके मुताबिक कुल 5 मजदूर फंसे होने की बात जो है सामने आई थी, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से बिल्डिंग ढही है उसके बाद एनडीआरएफ को और फायर टीम को रेस्क्यू करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। काफ़ी तेज़ी से उन्होंने अपना काम जो है वो बढ़ाया है, कोशिश यही की जा रही है कि जितने मजदूर अंदर फंसे हुए हैं इस मलबे में उन सबको जिंदा बचा लिया जाए। हालांकि सवाल कई तरह से खड़े हो रहे हैं, फायर की टीम की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जिस की भी गलती होगी उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी, अगर मकान मालिक की कोई गलती सामने आती है तो निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए हितेन।